हाय गाइज, मैं हूँ विवेक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं होस्ट प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास एक्सेल फाइल है तो उसको आप PHP के थ्रू माई स्कूल में कैसे उसको इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग फोटो को अपलोड करते हैं, कुछ उसी प्रकार से अगर आपके पास एक्सेल का फाइल है जिसको हम लोग CSV भी बोलते हैं, तो अगर उस फाइल में कुछ डेटा है, अगर उसको आपको डायरेक्टली PHP के थ्रू आपको इंपोर्ट करना हो अपने माई स्कूल में, तो उसको कैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग दो तरीके अपना सकते हैं। पहला ये है कि आप प्लगइन के थ्रू कर सकते हैं और सेकंड है जो कि विदाउट प्लगइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अभी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वह है प्लगइन के थ्रू, कि प्लगइन के थ्रू आप उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लोकल होस्ट में इसको दिखाने वाला हूँ आपको प्लगइन के थ्रू, और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं विदाउट प्लगइन के थ्रू बताने वाला हूँ आपको कि विदाउट प्लगइन के थ्रू आप कैसे एक्सेल फाइल को PHP के थ्रू डेटाबेस में उसको इंसर्ट कर सकते हैं MySQL में, ठीक है। तो यहाँ पे प्लगइन डाउनलोड करने के लिए मेरे गिटहब पे मैंने एक प्लगइन को अपलोड कर दिया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका नेम है स्प्रेडशीट रीडर, ठीक है। ये जो है ये बेसिकली काम ये करता है कि जो आपका स्प्रेडशीट है, मतलब कि जो एक्सेल का फाइल है, ठीक है, उसको ये रीड करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद अपने ST डॉक्स में जाने के बाद मैंने क्या किया है यहाँ पे कि एक फोल्डर बनाया है, ठीक है, जिसका नेम रखा है मैंने इम्पोर्ट _CSP_फाइल, ठीक है। इसके अंदर आपको ये जो मैंने यहाँ पे आप डाउनलोड कर रहे हैं गिटहब को, यहाँ पे आपको रखना है इस फोल्डर के अंदर। इसके बाद इम्पोर्ट कर लेना है और इम्पोर्ट करने के बाद आपको प्लगइन इसको रीनेम करके प्लगइन कर देना है, या वट एवर यू वांट, जो भी आप चाहते हैं उसका नेम वहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्लगइन इसका नाम रखा है। इसके अंदर आपको मिल जाते हैं कुछ फाइल जिसमें से SP3 रीडर है, SP3 reader_CSV, ये सारे PHP के फाइल हैं। और उसके अंदर ही एक फोल्डर आपको मिलेगा जो कि है PHP एक्सेल रीडर, ठीक है। इसके अंदर जो है Excel_reader2, इसका यूज हम लोग को पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको क्या किया है कि यहाँ पे अपने सबलाइन टेक्स्ट में इसको ओपन किया हुआ है, ओके। सबलाइन टेक्स्ट में ओपन करने के बाद मैंने इसके अंदर दो फोल्डर बनाया, ठीक है। एक अपलोड्स का फोल्डर बनाया है, इसके अंदर जो भी हम लोग CSV को अपलोड करेंगे वो यहाँ पे आएगा। अभी मैंने यहाँ पे टेस्ट किया था इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया सिंपली, ठीक है। और जो आप अपलोड करेंगे एक्सेल फाइल को, उसको आपको जहाँ पे अपलोड करेंगे उसको यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपलोड फोल्डर्स के अंदर इसको रखेंगे, ठीक है। और इंडेक्स पेज मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। इसी में हम लोग अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ डेटाबेस। डेटाबेस मैंने बनाया है यहाँ पे CSV नेम से, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने फाइल डेटा एक मैंने यहाँ पे बनाया है टेबल, ठीक है। इसके अंदर सिंपली ID है, नेम है और डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब जो हम लोग CSV फाइल यूज करने वाले हैं, एक बार मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है एक्सेल फाइल को, जिसमें मैंने दो टाइप का डेटा रखा है। इसमें जो भी आपको कॉलम ऐड करना है उसको आप ऐड कर सकते हैं अपने डेटाबेस कॉलम के अकॉर्डिंग, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 100 रिकॉर्ड रखा है, जिसमें कि 101 रिकॉर्ड है यहाँ पे, ठीक है। जिसमें कि सपोज कि ये एक नेम हो जाएगा और इसका ये डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग को रखना है अपने डेटाबेस में सारे रिकॉर्ड को, ठीक है। तो अब मैं आपको इंडेक्स पेज का कोड समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपली HTML का कोड लिखा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ टेक्स्ट साइज को, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपली HTML का कोड लिखा है, जिसमें मैंने टाइटल दिया है और उसके बाद से ये बूट स्टेप का मैंने लिंक कॉपी करके यहाँ पे डाला है W3 से, ठीक है, कि थोड़ा सा स्टाइल इसका बेटर हो जाए, ओके। और उसके बाद बॉडी के अंदर मैंने सिंपली एक फॉर्म बनाया है यहाँ पे। इस फॉर्म में क्या होगा कि इसका एक्शन जो होगा इसी पेज पे होगा और ये मेथड पोस्ट होगा। चूंकि हम लोग फाइल को अपलोड कर रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनसे टाइप रखा हुआ है मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, ओके।
उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लेबल रखा है सिलेक्ट सीएसबी फाइल, सीएसबी को ही एक्सेल फाइल भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद से इनपुट टाइप मैंने यहाँ पे दिया है फाइल, और फाइल का जो इस इनपुट का नेम होगा वो मैंने फाइल रखा है, और यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप को सिंपली क्लास दिया हुआ है, ठीक है। और ये देख सकते हैं कि मैंने एक्सेप्ट दिया हुआ है कि डॉट एक्सएलएस और डॉट एक्सएल एक्स, ठीक है, यही यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, बाकी और कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा ये। जैसे कि आप डॉट जेपीजी डाल रहे हैं या पीएनजी डाल रहे हैं या फिर जीआईएफ डाल रहे हैं, तो वो सब फाइलें यहाँ पे, या वर्ड का कोई फाइल हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। केवल ये दो टाइप का ही फाइल यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने सिंपली यहाँ पे बटन बनाया है, और इस बटन का नेम मैंने दिया है इम्पोर्ट, और ये जो बटन होगा वो सबमिट टाइप का होगा, इसका नेम मैंने इम्पोर्ट रखा है, और क्लास इसको दिया है मैंने बीटीएम प्राइमरी, जो कि एक बूटस्ट्रैप का क्लास है। अब इसको मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे कि किस टाइप से दिखता है। तो यहाँ पे मैं लोकल होस्ट में जाऊँगा, और यहाँ पे मैं इम्पोर्ट सीएसबी फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे आपको दिखाया है एएचटीएमएल के कोड के थ्रू जो मैंने बनाया है, उसका व्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। अब जो बात है कि अब इसको हम लोग सबमिट कैसे करना है, तो नीचे मैंने पीएचपी का कनेक्शन यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे पीएचपी मैंने दिया हुआ है एरर रिपोर्टिंग 0 कर दिया है कि कोई वार्निंग वार्निंग आया तो दिखे ना हम लोगों को, ठीक है, चूंकि वार्निंग आएगा तो नहीं दिखेगा, लेकिन बाकी सारा कोड आपका परफेक्टली काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कनेक्शन बना लिया है माई एसक्यूएल का डेटाबेस के साथ, तो जो डेटाबेस का नेम है वो सर्वर का नेम लोकल होस्ट, यूजर का नेम रूट, पासवर्ड मेरे पास कुछ भी नहीं है डेटाबेस का, तो मैंने यहाँ पे नथिंग दिया हुआ है, और डेटाबेस का नेम है सीएसबी, ओके। और उसके बाद ये आपको यूज करना होगा रिक्वायर्ड वंस प्लगइन पीएचपी एक्सेल रीडर जो मैंने आपको दिखाया हुआ था, ठीक है। प्लगइन्स के अंदर पीएचपी एक्सेल रीडर के अंदर ये जो फाइल है इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कराया है, ठीक है, इसको आपको इंक्लूड कराना होगा, और साथ में ही स्प्रेडशीट डॉट पीएचपी को भी इंक्लूड कराना होगा, स्प्रेडशीट रीडर डॉट पीएचपी को, ओके। तो ये फाइल आपको दिखेगा प्लगइन्स के अंदर ये वाला, ओके, स्प्रेडशीट रीडर डॉट पीएचपी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने चेक किया है कि इफ इस सेट, अगर सेट होता है इम्पोर्ट पे, मतलब अगर बटन क्लिक होता है, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो भी चलेगा वो इसके अंदर चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अलाउड फाइल किया है कि कौन कौन सा फाइल ये अलाउड करेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने एक्सेल में यहाँ पे एक्सेल रखा है, टेक्स्ट एक्सेल एस रखा है, और ये जो मैंने जो भी टाइप वगैरह होता है एक्सेल शीट का वो मैंने यहाँ पे रखा है, तो आप इसको रख भी सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ ऐड कर सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग इसमें से कुछ रिमूव भी कर सकते हैं। इसका कोड मैंने गिटहब पे भी डाला है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस सारे प्रोजेक्ट का, वहां से आप जाके इसलिए डाउनलोड कर सकते हैं। और बेसिकली उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक कंडीशन मैंने चलाया है इफ इन एरे के अंदर, और फाइल का जो टाइप है वो लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और जो अलाउड टाइप है वो, ये दोनों को हम लोग चेक करने वाले हैं कि फाइल का जो टाइप है वो इसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ये दोनों एरे में आता है उसके बाद ये मैच करेगा, ओके। और यहाँ पे अपलोड करने के लिए मैंने टारगेट फाइल दिया हुआ कि अपलोड ये कहाँ पे होगा, तो ये मैंने यहाँ पे जैसे कि बताया आपको अपलोड फोल्डर के अंदर ये अपलोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपलोड्स के अंदर इस फाइल के नेम के साथ ही अपलोड हो जाएगा, और ये मूव अपलोडेड फाइल मैंने दिया है यहाँ पे कि फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाए, ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया डॉलर रीडर, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इस क्लास को कॉल कर लिया स्प्रेडशीट रीडर को, जो कि आपको इस फाइल के अंदर इस क्लास को मिल जाएगा, इस वाले फाइल के अंदर स्प्रेडशीट रीडर डॉट पीएचपी वाले फाइल के अंदर ये क्लास आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको मैंने यहाँ पे सिंपली कॉल किया है, और इसमें एक पैरामीटर मैंने ले रहा हूँ टारगेट पाथ, जो उसका पाथ है वो मैंने यहाँ पे ले लिया है, ये वाला जो पाथ है वो, ठीक है। उसके बाद इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि रीड कर रहा हूँ, ठीक है, काउंट रीडर, जब इसमें अपलोड हो जाएगा और जब यहाँ पे अपलोड रहेगा उसके बाद ये न्यू क्लास चलेगा और टारगेट पाथ को लेगा, ठीक है। उसके अंदर एक
काउंट करेगा उसके सीट्स को कि कितना सीट्स उसमें है, ठीक है। और उस अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने लूप चलाया है 0 से लेके और सीट साउंड जितना भी उसके अंदर काउंट होगा। सपोज कि यहाँ पे जैसे 101 सीट है, ठीक है, तो 101 सीट का यहाँ पे काउंट होगा, तो 0 से चलेगा ये आपको, चूंकि यहाँ पे 101 तक नहीं चलेगा क्योंकि मैंने आई रखा है इज लेस देन, ठीक है, तो मतलब ये 99 तक चलेगा, फिर भी आपका ये हो जाएगा 100 तक चलेगा, चूंकि 101 रिकॉर्ड है तो ये 100 तक चलेगा। और उसके बाद ये आपको 0 से चलेगा इसलिए हो जाएगा 101, ठीक है। और उसके बाद जब तक ये चल रहा है तब तक आई लूप लूप यहाँ पे चलते रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे रीड करते रहेगा रीडर, ठीक है, हर दफ़ा रीड करेगा, पहली बार और दूसरी बार यहाँ पे रीड करते रहेगा रीडर चेंज स्टेट, जब भी लूप चलेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉरिच लूप चलाया है और इस लूप में मैंने रीडर को यहाँ पे रखा है एरे के टाइप से और यहाँ पे रो मैंने रखा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को नियम को रखना है, ठीक है, तो नियम यहाँ पे लिया है मैंने इफ सेट, अगर रो इक्वल टू अगर 0 होता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये माई एसक्यूएल रियल एस्केप के साथ ये पहले रो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही सेम काम मैंने डिस्क्रिप्शन के लिए भी किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपली चेक किया हुआ है कि अगर नेम एम्प्टी होता है, अगर ये नेम एम्प्टी नहीं है और यहाँ पे मैंने साइन रखा है एंड का, सॉरी एंड, अगर एम्प्टी नेम नहीं होता है और एम्प्टी डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने साइन रखा हुआ है एंड का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्यूरी मैंने चलाया सिंपली इंसर्ट का, इंसर्ट इनटू फाइल डेटा, ओके, फाइल डेटा में इंसर्ट हो जाए जो फाइल डेटा हम लोग का यहाँ पे टेबल है, ठीक है, इसमें इंसर्ट हो जाए। और क्या इंसर्ट होना चाहिए, नेम और डिस्क्रिप्शन जिसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग वैल्यू दे रहे हैं, नेम जो कि यहाँ से आएगा और अगेन यहाँ पे कैनकेडिनेट करके मैं डिस्क्रिप्शन को दे रहा हूँ जो कि यहाँ से आएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे रिजल्ट को क्यूरी कराया गया है, रिजल्ट को यहाँ पे रन कराया गया है, अगर रिजल्ट ठीक है तो यहाँ पे टाइप में आ जाएगा और मैसेज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में मैंने यहाँ पे इको करा दिया है कि जब ये पूरा लूप चल जाए उसके बाद यहाँ पे इको कर दे, नहीं तो यहाँ पे टाइप इनवैलिड फाइल टाइप, अगर फाइल टाइप मैच नहीं करता है तो यहाँ पे ये मैसेज दे दे, ठीक है। तो चलिए मैंने इसको कर दिया सेव, ठीक है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे और इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, और अब मैं डेटाबेस में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ डेटाबेस में कुछ भी नहीं है और अपलोड फाइल में भी मैंने अभी आपके सामने ही डिलीट कर दिया था मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको चूज करता हूँ फाइल को, ओके, इस फाइल को मैं अपलोड करता हूँ जो कि फाइल हम लोग का ये है, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, सॉरी, और मैं यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोसेस हो चुका है, यहाँ पे हम लोग का मैसेज आ चुका है डन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ डेटाबेस में और अगेन इसको ब्राउज करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग के पास 101 रिकॉर्ड जो है वो आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं नेम डिस्क्रिप्शन दोनों आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट वाला जो हम लोग का रिकॉर्ड है वो ये है और फर्स्ट जो रिकॉर्ड है ये है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या काम है। अगर इस प्रोजेक्ट को आपको डाउनलोड करना है तो गिटहब पे जाएंगे और गिटहब पे जाने के बाद मैं आपको इसका लिंक वैसे दे दूंगा और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे और भी सारे प्रोजेक्ट हैं जिसको आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो प्रोजेक्ट है ये इंपोर्ट सीएसवी फाइल इनटू माईएसक्यूएल के लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और डेटाबेस बना के जस्ट आपको यूज करना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि विदाउट प्लगइन कैसे इम्पोर्ट करना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं हर टाइप प्रोग्रामिंग टाइप के ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप के ही मैं वीडियो लेके आता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।